हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे आरटीपीसीआर टेस्ट के बारे में। जनरली आपने इस समय काफ़ी सुना होगा जो कोविड डिटेक्शन के लिए यूज़ होता है, जो कोरोना की जांच के लिए टेस्ट होता है आरटीपीसीआर। इसका फुल फॉर्म क्या है, क्या होता है टेस्ट, इसकी हम इस वीडियो में बात करेंगे। टाइम क्यों लगता है ये भी हम इस वीडियो में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ डॉक्टर हरिशंकर सोनी और आप देख रहे हैं इजी डेंटिस्ट्री। देखिए आरटीपीसीआर, इसका फुल फॉर्म क्या होता है पहले हम वो देख लेते हैं। आरटी मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, तो इसको इजीली समझने के लिए हम इसे तोड़ तोड़ के समझते हैं थोड़ा थोड़ा। तो पहले हम पीसीआर में आपको बता देता हूँ, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन आपको ईजी होगा समझने में। पहले पॉलीमरेज चेन रिएक्शन समझ लेते हैं। देखिए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या होता है, जो डीएनए सैंपल होता है इसको एम्पलीफाई करने के लिए, जो डीएनए होता है जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए होता है, इसका काम होता है जो हमारा जेनेटिक मटेरियल इसको स्टोर करने का, डीएनए का काम होता है जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करने का और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पहुंचाने का किसी भी ऑर्गेनिज्म में, जैसे ह्यूमंस में भी होता है। जो डीएनए रहता है वो सभी जनरेशन में सेम होता है, चेंज नहीं होगा। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से जो डीएनए का एक सैंपल लेकर छोटे से सैंपल को एम्पलीफाई कर लिया जाता है, मतलब उसकी लाखों कॉपीज बना के रख लेते हैं। इसका फ़ायदा क्या है, छोटे से सैंपल से जो साइंटिस्ट है वो ज़्यादा स्टडी कर सकते हैं डीएनए के बारे में, जो भी उनको स्टडी करनी है, उसका शेप कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, जो भी जानना है छोटे से सैंपल से ज़्यादा स्टडीज़ कर सकते हैं। तो उसको बोलते हैं हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से ये किया जाता है। अब इसमें पॉलीमरेज क्या है, पॉलीमरेज एक एंजाइम होता है जो इस रिएक्शन में इंक्लूड है, इस रिएक्शन को करवाता है। और एंजाइम क्या होता है, होपफुली पता होगा आपको। एंजाइम एक ऐसा सब्सटेंस है जो प्लांट्स में पाया जाता है और ह्यूमंस में भी पाया जाता है। ऐसा सब्सटेंस होता है एंजाइम जो भी किसी भी केमिकल रिएक्शन को फास्ट करने में मदद करता है, लेकिन खुद चेंज नहीं होता, वो जैसा है वैसा ही रहता है, उसको हम बोलते हैं एंजाइम। तो पॉलीमरेज भी एक एंजाइम है जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में हेल्प करता है। तो सिंपली पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या है, एक छोटे से सैंपल को, डीएनए सैंपल को एम्पलीफाई करना, इसकी लाखों कॉपीज बना लेना स्टडीज़ के लिए, इसको हम बोलते हैं पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब बात करते हैं आरटी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या है। तो यहाँ पर हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की बात कर रहे हैं, तो कोई रिएक्शन होती होगी जिसको ट्रांसक्रिप्शन भी बोलते होंगे, तो पहले हम ट्रांसक्रिप्शन समझ लेते हैं। मैं आपको ट्रांसक्रिप्शन बता देता हूँ, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन आप खुद से समझ जाएंगे। देखिए बहुत सारी प्रोसीजर्स होती है, स्टडीज़ होती है, जिसके लिए डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट करना होता है या फिर आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करना होता है। तो जब भी डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट करने की ज़रूरत होती है उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए को आरएनए में चेंज करना होगा तो ट्रांसक्रिप्शन। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन आप खुद से समझ गए होंगे, जब भी आरएनए को डीएनए में चेंज करना होगा उसको हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से डीएनए बनाने को हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो आरटीपीसीआर आपको अब समझ में आ गया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन आपको समझ में आ गए, लेकिन अब यहाँ पर आरएनए को डीएनए में बदलने की ज़रूरत क्यों है कोरोना में, इसको हम समझते हैं। देखिए इसमें जो होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में, डीएनए के सैंपल को हम करते हैं, एक्चुअल में जो डीएनए है वो ज़्यादा स्पेसिफिक होता है किसी भी टेस्ट को करने के लिए और चेकअप करने के लिए डीएनए लिया जाता है, लेकिन कोरोना के साथ ऐसा है कि इसमें डीएनए होता ही नहीं है, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए होता है, लेकिन हमें स्टडी के लिए डीएनए चाहिए। तो पहले आरएनए को डीएनए में चेंज किया जाता है कोरोना के, इसीलिए इसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोल रहे हैं, फिर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से इसका टेस्ट किया जाता है, इस सैंपल को टेस्ट किया जाता है। पेशेंट का सैंपल लिया जाता है, स्वैब टेस्ट लिया जाता है, जो थ्रोट है उससे, नोज है उससे सैंपल लिया जाता है, और उसमें जो वायरस मिलता है उसको मैच कराया जाता है इससे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से चेक किया जाता है कि जो उसका जेनेटिक मटेरियल है, जो पेशेंट के सैंपल से हमें वायरस मिला है उसका जो जेनेटिक मटेरियल है क्या वो कोरोना के जेनेटिक मटेरियल से मैच कर रहा है, क्योंकि स्टडीज से हमें कोरोना का जो जेनेटिक मटेरियल है उसके फीचर्स पता है। तो जो पेशेंट के सैंपल से वायरस मिला है उसका जेनेटिक मटेरियल अगर कोरोना के जेनेटिक मटेरियल से मैच होता है तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं
कि पॉजिटिव है, जो कोरोना टेस्ट है, कोविड टेस्ट है, वो पॉजिटिव है, या फिर जो आरटीपीसीआर टेस्ट है वो पॉजिटिव है, पेशेंट को कोरोना है। तो यही है आरटीपीसीआर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि अब आप समझ गए होंगे टाइम क्यों लगता है। पहले पेशेंट का सैंपल लिया जाता है, फिर आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करना है, उसके बाद फिर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करके पता लगाना होता है। तो इसमें लगभग 2 दिन का समय लग जाता है। तो इसके लिए एक और टेस्ट होता है, रैपिड टेस्ट, जो एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट होता है, वो जल्दी हो जाता है, 1 घंटे करीब में उसका रिजल्ट आ जाता है। वो स्वैब टेस्ट से नहीं होता है, वो ब्लड से होता है। तो जल्दी क्यों हो जाता है और उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, तो सिर्फ उसको ही क्यों नहीं किया जा रहा है अगर जल्दी हो जाता है, तो उसके बारे में हम अलग वीडियो में बात करेंगे। तो ये था आरटीपीसीआर, इस वीडियो में इतना ही। होपफुली आपके लिए इंटरेस्टिंग रहा होगा, इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आपको लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए। नॉलेज होनी चाहिए हमें, जो टेस्ट है और भी जो चीज़ें, इनके बारे में पता होना चाहिए। कमेंट सेक्शन में आकर बताएंगे किन टॉपिक पर और वीडियोस देखना चाहते हैं। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।